Hello, my loveliest friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों. दोस्तों मिलते जुलते वर्ड्स हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं. कई बार समझ में नहीं आता कि किसकी क्या मीनिंग है, क्या लिखूं, कैसे सेंटेंस में यूज़ करूं. इस कारण से हम कई बार अच्छी इंग्लिश लिख भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते. आज की क्लास में कुछ ऐसे वर्ड्स कवर करेंगे दोस्तों. वोकैबुलरी की क्लास है, बहुत ही कमाल की क्लास है. आपको ध्यान से अंत तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए. तो आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स. और आज हम कौन से वर्ड्स कवर करने जा रहे हैं, ये रेन RAIN, ये भी है रेन REIGN और ये भी है रेन REIN. आप देख रहे हैं स्पेलिंग तो मिलती जुलती है ही, प्रोनंसिएशन तो तीनों का सेम ही है, एकदम एक उच्चारण है. तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, एक एक करके सीखते हैं. अच्छा मैं आपको ये बता दूं, अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उधर भी ये वोकैबुलरी आपके काफ़ी काम आएगी. तो हमको जैसा मैंने आपसे कहा एक एक वर्ड को ठीक से समझना है. पहला वर्ड तो है दोस्तों RAIN, रेन. ये हम बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से जानते होते हैं, हमको मालूम होता है इट्स रेनिंग और ये सब. रेन हमको ये जानना चाहिए कि रेन नाउन भी है और वर्ब भी है. तो नाउन और वर्ब दोनों में क्या क्या मीनिंग है समझ लेते हैं. नाउन में इसका मीनिंग होता है बारिश. कैसे लिखेंगे, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें दैट फॉल फ्रॉम द स्काई. पानी की बूंदें जो आसमान से गिरती हैं उन्हीं को बारिश कहते हैं. तो रेन का नाउन में तो यही मीनिंग है. सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, कोई अपने बारे में बता रहा है आई लव टू डांस इन द रेन, मुझे बारिश में डांस करना अच्छा लगता है. आई लव टू डांस इन द रेन, तो बहुत अच्छी बात है. कुछ लोगों को ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, खास करके टू व्हीलर की ड्राइविंग. बारिश हुई तो बाइक लेके निकल गए, घूम रहे, मजा आ रहा है. तो दोस्तों आई लव टू डांस इन द रेन आप बोल सकते हैं, आई लव टू ड्राइव इन द रेन. अच्छा ये तो इसका नाउन के रूप में मीनिंग था. अगर यही वर्ड वर्ब है तो इसकी मीनिंग होती है टू फॉल एज रेन, बारिश होना, ये वर्ब में मीनिंग है. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, बड़ा आसान है. इट वॉज रेनिंग हार्ड दैट नाइट, कोई बता रहा है लास्ट नाइट, पिछली रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी. इट वॉज रेनिंग हार्ड लास्ट नाइट, पिछली रात काफी ज्यादा बारिश हो रही थी. रेन हार्ड का मतलब है बहुत ज्यादा बारिश होना. जैसे हम बोल सकते हैं रेन हैवीली, उसका भी मीनिंग है बहुत ज्यादा बारिश होना. रेन कैट्स एंड डॉग्स, उसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना. ये सब फ्रेजेज हैं, ये हमको सीखने चाहिए. तो ये तो दोस्तों रेन का मीनिंग था, ये हम बचपन से जानते हैं रेन की मीनिंग और यूज़. हम आते हैं इस वर्ड पर REIGN, इसकी क्या मीनिंग है. ये वर्ड जब नाउन की तरह यूज़ होता है तो उसका मीनिंग होता है द पीरियड ड्यूरिंग विच, उस वो अवधि जिसके दौरान, द पीरियड ड्यूरिंग विच अ मोनक, मोनक का मतलब होता है राजा. इसको मोनार्क नहीं पढ़ना चाहिए, इसका उच्चारण है मोनक. अ मोनक इज द ऑफिशियल रूलर ऑफ अ कंट्री. वो अवधि, वो समय जिसके दौरान एक राजा ने कहीं पर शासन किया, यानी इसका अर्थ है हिंदी में शासन काल. किसी भी राजा का जो शासन काल होता है उसी को रेन बोलेंगे, जब ये नाउन होगा तब. जहां तक मैं प्रोनंसिएशन आपको बता रहा था, मैंने आपसे कहा कि इस वर्ड को मोनार्क नहीं पढ़ना, इसको पढ़ेंगे मोनक. और ये जो वर्ड है दोस्तों OFFICIAL, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ऑफिशियल. ऑफिशियल इसका प्रोनंसिएशन नहीं है, इसका प्रोनंसिएशन है ऑफिशियल. आधा अ अगर होता, हिंदी में तो आधा अ नहीं होता, लेकिन अगर अ हमको आधा ही बोलना होता तो जितनी देर रुकना होता उतनी देर रुकेंगे. अफी अफी फ के बाद छोटी है, ऑफिशियल ऑफिशियल, ये इसका प्रोनंसिएशन है. इसको ऑफिशियल नहीं पढ़ना चाहिए, ऑफिशियल. अगर आप प्रोनंसिएशन सीखना चाहते हैं, मैं अपने लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में ये बात बताई देता हूँ. अगर आप इस तरह के वर्ड्स का प्रोनंसिएशन सीखना चाहते हैं, प्रोनंसिएशन के रूल सीखना चाहते हैं, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, सिलेबल स्ट्रेस के रूल्स, ये सब सीखना चाहते हैं अगर, तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स. उसमें जाके दोस्तों आप वीडियोज़ देखिए, 140 के करीब वीडियोज़ हैं. दुनिया में किसी ने इतने वीडियोज़ प्रोनंसिएशन के रूल्स के ऊपर नहीं बनाए, इंडियंस ने तो नहीं बनाए, अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाए. आप उधर जाके वीडियोज़ देखिए, सारे रूल सीख सकते हैं. जहाँ तक वोकैबुलरी की बात, अगर आपको कमाल की वोकैबुलरी सीखनी हो तो ये वीडियो भी मैं, मेरी एक प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी की, उसी में डालने वाला हूँ. उस प्लेलिस्ट का नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी. उसमें आपको और भी अनमोल वीडियोज़ मिलेंगे वोकैबुलरी के ऊपर, तो आपको वो वीडियोज़ देखने चाहिए. कमाल के वीडियोज़ हैं, कमाल के वर्ड्स मैंने बताए, फ्रेजेस बताए, तो आप जाकर उधर सीख सकते हैं सब कुछ. तो क्या मीनिंग था, द पीरियड ड्यूरिंग विच अ मोनक इज द ऑफिशियल रूलर ऑफ अ कंट्री, शासन काल, इसका मीनिंग हुआ. सेंटेंस में कैसे यूज होगा, कोई बता रहा है किसी बात के बारे में कि इट हैपन्ड, कोई घटना हुई उसके बारे में बताया जा रहा है कि इट हैपन्ड, यानी ये घटना हुई ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका द ग्रेट. सम्राट अशोक बहुत ही महान सम्राट थे,
उनके जो रॉयल जो उनका राजकीय चिन्ह था वो आज भी हमारे देश में इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे देश में जो तिरंगा झंडा है वो अशोक चक्र है, उसमें वो सम्राट अशोक का ही चक्र था। या जो तीन सिंह है, शेर हैं, जो भारत का राजकीय चिन्ह है, वो भी सम्राट अशोक का ही राजकीय चिन्ह था। तो सम्राट अशोक बहुत बड़े राजा थे, सम्राट थे, और उन्होंने बहुत दूर तक भारत का विस्तार किया था। उन्हीं के लिए, उन्हीं के शासनकाल के लिए एक बात कही जा रही है कि इट हैपन्ड, यानी ये बात हुई, ये घटना हुई ड्यूरिंग द रेन, यानी ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान? ऑफ अशोक द ग्रेट, जो सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान ये घटना हुई, ऐसा कहा गया। तो रेन का नाउन मीनिंग है शासनकाल। यही वर्ड जब वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्या मीनिंग होगा? ये रहा दोस्तों वर्ब की मीनिंग, ये रही। तो मीनिंग है टू बी द किंग और क्वीन ऑफ अ कंट्री, एक देश का राजा या रानी होना, यानी शासन करना। शासन करना ये इसका मीनिंग है वर्ब के रूप में। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। किसी राजा के बारे में बताया जा रहा है कि द किंग ओनली रेन्ड फॉर 3 years, किसी राजा ने सिर्फ 3 साल तक शासन किया, यही बात बताई जा रही है। द किंग ओनली रेन्ड, यानी राजा ने शासन किया सिर्फ फॉर 3 years, सिर्फ 3 साल तक। तो रेन का दोस्तों वर्ब में मीनिंग होता है शासन करना। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नाउन की जो मैं जो उसकी मीनिंग है शासनकाल, इससे इसको सिंबॉलिकली भी यूज़ करते हैं प्रतीकात्मक रूप से। यानी जैसे मान लेते हैं कोई एक दौर था, जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई में पहले गैंग वॉर्स का दौर था, अब तो सब कुछ बहुत हद तक ठीक हो गया है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यू नो द गैंग वॉर रेन्ड, या देर वॉज अ रेन ऑफ, अगर नाउन की तरह यूज़ करना हो, देर वॉज अ रेन ऑफ गैंग वॉर्स इन मुंबई इन द 1980s, 1980 के दशक में मुंबई में गैंग वॉर्स का साम्राज्य था, ऐसा कहा जा रहा है। तो शासनकाल, साम्राज्य, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न बातों को बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये तो था REIGN, अब हम आते हैं REIN पर, इसकी क्या मीनिंग है। प्रोनंसिएशन तीनों वर्ड्स का सेम है, यहाँ आपको बता दूँ। उच्चारण है रेन, रे छोटी ई और न, रेन, इसको रेन नहीं बोलना चाहिए, रेन, वो एकदम गलत उच्चारण है, रेन इसका शुद्ध उच्चारण है। तो दोस्तों REIN रेन जब होगा तब नाउन में इसकी क्या मीनिंग होगी? नाउन में इसकी मीनिंग है अ लेदर स्ट्रैप, चमड़े का बना हुआ स्ट्रैप जिससे कि हम पकड़ते चीज़ों को, अ लेदर स्ट्रैप टू कंट्रोल और डायरेक्ट अ हॉर्स, एक घोड़े को नियंत्रित करने के लिए जो हम लेदर का स्ट्रैप यूज़ करते हैं, उसी को कंट्रोल करने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए, यानी उसको नियंत्रित करने के लिए या उसको दिशा दिखाने के लिए कि बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो ऐसे। तो हिंदी में क्या मीनिंग हुआ इसका? हिंदी में इसकी मीनिंग हुई लगाम। तो लगाम इसकी मीनिंग है। तो लगाम नाउन में और वर्ब में लगाम लगाना या लगाम कसना यानी नियंत्रित करना, इस तरीके से इसकी मीनिंग है। तो नाउन इसका मीनिंग है लगाम। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? कोई बता रहा है कि ही पुल्ड ऑन बोथ द रेन्स टू स्टॉप द हॉर्स, उसने घोड़े को रोकने के लिए दोनों लगामों को खींचा, दोनों हाथों में पकड़ते हैं जो लगाम होती है, ही पुल्ड ऑन बोथ द रेन्स, उसने लगाम दोनों हिस्सों को खींचा, किसके लिए? टू स्टॉप द हॉर्स, घोड़े को रोकने के लिए। तो ये तो इसका नाउन में यूज़ है। अगर ये वर्ड वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो कैसे हमको वर्ब में पहले मीनिंग क्या है? देखिए वर्ब में इसकी कम से कम 2 मीनिंग तो हो ही सकती है। पहली मीनिंग है टू कंट्रोल और गाइड हॉर्स विद रेन्स, किसी घोड़े को लगाम की मदद से नियंत्रित करना या उसको दिशा निर्देश बताना, टू कंट्रोल और गाइड हॉर्स विद रेन्स। दूसरा मीनिंग है टू रिस्ट्रेन, किसी भी चीज़ के ऊपर रोक लगाना। जैसे मान लेते हैं क्राइम बहुत बढ़ गया है, सरकार उस पर रोक लगा रही है, लगाम लगा रही है, तो ये भी मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जो घोड़े को नियंत्रित करने वाली जो मीनिंग है उस मीनिंग में एक एग्जाम्पल है। कोई बता रहा है इट्स डिफ़िकल्ट टू रेन एन एंग्री हॉर्स, अगर कोई घोड़ा बहुत ही नाराज़ है, क्रुद्ध है, क्रोधित है, तो उसको लगाम से काबू में करना, नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू रेन एन एंग्री हॉर्स। और जो वैसे जो है नियंत्रण करना किसी भी चीज़ पर, जैसे क्राइम पर या किसी चीज़ पर या लगाम लगाना, उस सेंस में एक एग्जाम्पल है कि किसी के बारे में बताया जा रहा है कि शी ट्राई टू रेन इन हर एक्साइटमेंट, कोई लड़की थी या कोई महिला थी जो बहुत ही एक्साइटेड थी, तो उसने लेकिन तो एक्साइटमेंट में कई बार काम ख़राब भी हो जाते हैं, तो उसने अपनी एक्साइटमेंट को नियंत्रित किया, उसको कंट्रोल किया, यही बात बताई जा रही है। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, शी ट्राइड टू रेन इन हर एक्साइटमेंट, उसने अपनी एक्साइटमेंट को नियंत्रित करने की कोशिश की। दोस्तों यही आज की क्लास थी, आपने देखा
कैसे इन वर्ड्स को, इनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, नाउन के रूप में क्या मीनिंग है, वर्ब के रूप में क्या मीनिंग है, कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आपको ये जैसे एग्जांपल्स मैंने लिखे, आपको खुद से भी कुछ एक एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इनको लिखने में या बोलने में इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजी बोलने का राज एक ये भी होता है कि जब हम किसी वर्ड को सीखते हैं या किसी फ्रेज को सीखते हैं, तो जब जब आपको इंग्लिश में बोलने का मौका मिले तो आपको उन वर्ड्स को अपने बोलने में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्तेमाल करेंगे तभी तो प्रैक्टिस बनेगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इस ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को सीखने का मौका मिले। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी ज़्यादा लोग सीख सकते हैं उतनी अच्छी बात है। अगली क्लास में मैं आपको फिर से बहुत ही कमाल के वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, या हम साथ ही मिलकर कोई प्रोनंसिएशन का रूल या ग्रामर का रूल कुछ भी सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी हेल्प हो। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, वो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक मास अपीलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को उसकी ज़रूरत होगी, तो मैं उस पर आपको एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, योर काइंडनेस। थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।